मुझे लगता है आपको समस्या है माननीय गृह मंत्री जी, आपको मैं क्या सभापति महोदय, इस सदन में आज विषय पर और विषयांतर पर दोनों प्रकार की चर्चाएं हुई है। खैर मेरा दायित्व तो है, मैं बिल को पायलट कर रहा हूं, तो विषय की भी जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने विषयांतर करा है उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा विषय पर होती तो मेरा जवाब भी विषय पर सटीक तरीके से विषय के दायरे में ही रहता, मगर ये सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। 130 करोड़ की आबादी सदन में जो चर्चा होती है इसको देखती है, क्योंकि बिल पर बोलने में थोड़ा दायरा विस्तृत होता है। लोकसभा के कार्यवाही के नियम बिल पर बोलने में थोड़े लचीले होते हैं, इसका उपयोग कर बहुत सारे सदस्यों ने ढेर सारी बातें कही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सबको सब बात करने का अधिकार है। मेरा एक ही विनंती है कि मेरी बात भी जरा ध्यान से सुन ले, अभी अभी शुरू नहीं हुए दादा, ध्यान से सुन लेना। मैं सबसे पहले जो 20 सदस्यों ने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है, पक्ष और विपक्ष के मिलकर सभी ने अपने अपनी दृष्टि से बिल के बारे में अपने विचार रखे हैं, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बिल को इतने ध्यान से पढ़ा, इसकी गहराइयों में जाने का भी प्रयास किया, इसके साथ जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं को भी सोचा और अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपनी समझ के हिसाब से यहां पर विषय रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विषय आया, संघीय ढांचे पर अतिक्रमण का, और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छीन रहे हैं इसका। मनीष भाई भी बोले, विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी बोले, दादा भी बोले, कई सारे लोगों ने बोला। मैं सबसे पहले इस गुरु के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239 AA के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप मैं लेकर आया हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं संविधान को भी लेकर आया हूं कि पुरस्तापित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाए गए थे, उस मुद्दों का जवाब भी दिया गया, मगर फिर से आज ये मुद्दे उठाए गए। अनुच्छेद 239 AA 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से बात की जाए, राज्यों के अधिकार, केजरीवाल साहब भी इसकी दुहाई देते हैं, राज्यों के अधिकार। मैं इसलिए एक शब्द पर भार दिया, किसी ने नहीं सुना, दिल्ली संघ राज्य। ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा विधेयक मैं गुजरात बंगाल में नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ला सकती, मगर राज्य और संघ राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं विधेयक लेकर आई हूं मान्यवर, वो संघ राज्य के संबंधित है, और राज्यों के अधिकार धारा 246, ये सारी चीजों का आप उपयोग कर किसको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं,
और पूर्णतया संविधानिक विधेयक, क्योंकि दिल्ली संघ राज्य है और संघ राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार, और ये अधिकार का उपयोग क्यों किया इस पर भी सवाल उठाए गए, इस पर भी मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं थोड़ा आगे कहता हूं कि एक बात बताई गई 2011 में ये विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था संशोधन, और अब आप इसको कैसे अमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 239(a)(a)(3)(c) के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। और जो लोग हम पर आरोप करें, मैं उनको बताता हूं, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। अधीर रंजन भी सुन ले, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। ये संविधान के अंदर प्रोविजन ऑलरेडी है। संविधान को मेरे जैसे सादे चश्मे से दिखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। चश्मे साफ करने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी, बाकी तो बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हैं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, मराठी पढ़ते हैं उसके लिए मराठी में, सब भाषाओं में है। हाँ, गुजराती में, मैं इसी से पढ़कर आया हूं, आप पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं। मान्यवर, अनुच्छेद 246(r) का जो उल्लेख किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंधित है। इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते, अरे भाई हम नहीं कर सकते हैं, संविधान हमें नहीं परमिशन देता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ये पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है, इसमें संघ राज्य की शक्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ना हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं कि एक जस्टिफिकेशन था कि भाई राज्य करे राज्य करे। संविधान के अनुच्छेद 239(a)(a)(3)(c) के पहले परंतुक के आधार पर डीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की चाहिए। इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जीएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले, अर्थात तीनों सूचियों में कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने का समवर्ती शक्तियां प्रदत्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239(a)(a)(3)(c) के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग अलग करना, निरसन करना सब शामिल है, जो राज्यसभा की विधानसभा के द्वारा ही बनाएगा। मान्यवर, ये मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए, ये नोटिंग जब 2011 का एक कानून आया तब देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री और विद्वान धाराशास्त्री श्री पी चिदंबरम ने किया हुआ नोटिंग है।
उनका भी इंटरप्रिटेशन यही कहता है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दादा कह रहे थे कि अमित शाह जी सब जगह सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगह सरकार बनाना चाहती है। पावर मतलब सरकार बनेंगे तभी तो आएगा, वैसे कैसे आएगा पावर? पावर तो लोकतंत्र में सरकार चुनकर आएगी तभी आएगा। तो मैं गृह में कहना चाहता हूं कि हाँ, हम चाहते हैं हर जगह हमारी सरकार बने, इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ना? आप क्यों गोवा में गए भला बताइए, आप क्यों त्रिपुरा जा रहे हैं बताइए भला? आपको भी अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता, आप भी जाइए, आप भी जाइए। हर पार्टी ने हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना स्टैंड, अपने कार्यक्रम, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें आपत्ति क्या होती? हर जगह पे कोई पार्टी विचार करे कि हमारे लोग चुनकर आए, हमारे कार्यक्रम के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेता की लोकप्रियता के आधार पर, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है लोकतंत्र में? आपत्ति उनको हो सकती है जिनको सत्ता छीनने का डर है, लोकतंत्र के पुरोधाओं को नहीं हो सकती। मैं अभी भी कहता हूं दादा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेतृत्व के लोकप्रियता के आधार पर और हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हम सब जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। मगर हम सत्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर हथियाना नहीं चाहते दादा, सीरीज ऑफ खून कर हथियाना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बहनों पर बलात्कार कर हम नहीं चाहते सत्ता लेना, ये हमारी संस्कृति नहीं है दादा, और लोकतंत्र का पिया थी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी पिया थी कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बाकी सारी पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता। जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोकतंत्र की चिंता कर, अरे भले अपने कार्यालय में तो चुनाव करा लो भाई, पहले अपनी पार्टी में तो करा लो, देश की बात में बात करना। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया विशेष अधिकारी की नियुक्ति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमण काल के लिए ही नियुक्त होता है, उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी हुई बॉडी आती है। और विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 490B में इसका प्रोविजन पहले से है, जो कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आप उपयोग करोगे तो बहुत लोकतांत्रिक, और जब हम करेंगे तो अरे लोकतंत्र का हनन हो गया। किस तरह से देश चलाना चाहते हो भाई? आत्मचिंतन करोगे क्या? आईने में अपने आप को देखोगे क्या? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? 490B कौन लेकर आया? हम तो आज उपयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। और मैं आज कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, फिर से सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दो दो बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत, दो तिहाई बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एनडीए के साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, हमें कोई शौक नहीं है सत्ता हथियाने का माननीय अध्यक्ष जी, ना हम चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के एन मौके पर क्यों लेकर आए विधेयक। सुप्रिया जी, ओबीसी का बदलाव, ओबीसी सीटों का प्रोविजन का बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने कब किया? महाराष्ट्र सरकार में कितने साल से एडमिनिस्ट्रेटर है, कितने कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है, क्यों चुनाव वहां नहीं होते हैं? और करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया? मैं भी पूछ सकता हूं, मगर जब अपने अपने राज्य में होता है, जैसे मेरे साथी
सांसद निशिकांत जी ने कहा कि झारखंड में 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर, 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, मगर चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है आप नहीं बोलोगे। तथ्यों को पारदर्शिता के साथ इस सदन पर रखना चाहिए कि सदन को पूरा देश देखता है। माननीय अध्यक्ष जी, मनीष तिवारी जी जवाब दे रहे थे, मनीष जी नरसिम्हा राव जी का नाम दिया है, देखना भाई जरा ध्यान रखना हम आगे क्या होता है, जरा संभल कर बोला करो यार, भावुक होकर इतना मत बोलो, हाई कमांड भाषण सुनता है। नरसिम्हा राव जी का नाम आपने दे दिया और बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया, चलो अच्छा ही है, देर सवेर स्वीकार कर लिया आपने। दादा ने कहा दिल्ली दंगों को, मैंने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन पर रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 409 चार्जशीट कर लिए गए और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुई। 2 साल हो गए दादा, जेल में ही है, जेल में ही है, ये बंगाल नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कानून तोड़ेगा उसको सजा। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया, मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि डीलिप पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, डीलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डीलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे, हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रीय सरकार का। माननीय अध्यक्ष जी, एक रेफरेंस आया कि कैंटोनमेंट बोर्ड भी यहां है, एनडीएमसी भी यहां है, आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन सब एनडीएमसी में आता है, मुझे मालूम नहीं था वरना मैं थोड़ा डिटेल में बताता। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि एक माहौल जो बनता है राजधानी का, वो सिर्फ एनडीएमसी से नहीं बनता है, और कैंटोनमेंट बोर्ड हम नहीं मिला सकते हैं, गौरव जी कहते थे अभी है नहीं, परंतु देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग ही है, ये कोई दिल्ली की व्यवस्था नहीं है, देश भर में अलग है और कुछ कारणों से अलग रहना भी चाहिए। अगर इस पर पुनर्विचार होगा और इस पर कानून बदला जाएगा तो यहां का भी होगा। हाँ तो होता ही है, अभी चुनी हुई बॉडी ही है वहां पर, चुनाव हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ढेर सारी कमिटियों के रिपोर्ट को यहां पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहता हूं कि कमिटियों को रिपोर्ट जब जब भी आए, हर सरकार ने इस पर चर्चा करी, इसकी फाइलें भी उपलब्ध है और चर्चा के बाद ये सारे प्रश्न जो अभी उपस्थित हुए थे, ये प्रश्नों को नजर में रखते हुए ही निर्णय नहीं लिए गए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ टीम निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थी, रेवेन्यू शेयरिंग का पावर, रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्मूला थी, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी, ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये तीन निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेलटेक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है, अब एक करे बगैर हम कैसे निगम चल रहे हैं, नहीं चल सकता, और देख लिया कर 10 साल तक देखा है, और जिन लोगों ने कहा कि भाई पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा, काफी सांसदों ने, 3 सांसदों ने कहा, मैं इनको बताता हूं कि एकीकरण करने के पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता, नया यूनिट बनता है उसके बाद में सीटों का बंटवारा होता है, वार्डों का बंटवारा होता है, डिलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे, क्योंकि निगम तो 3 अलग है,
जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता। और इतनी सारी चीज पर इतनी शंका करने की जरूरत क्या है भाई? देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन, बहुत बड़े हिस्से पर है। और ये दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां पर भी हमारे निगम जाएंगे, आप पार्टी के नहीं जाएंगे। हमारे निगम की जब तिथि समाप्त हो जाएगी तब हमारे निगम चले जाएंगे, हमारे काउंसिलर घर पर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, स्पेशल ऑफिसर आएगा। सीटों का सवाल उठाया गया, दादा कहते थे कि सीटें 250 बहुत ज्यादा है। दादा मैं तो 272 से 250 कर रहा हूं, 250 बड़ा ही नहीं है, जो ज्यादा थी नहीं, मगर ज्यादा थी इसको कम कराए, पहले समझिए, कम कर रहा हूं, आप समझे ही नहीं हो बिल्कुल। मुंबई के अंदर वार्डों की संख्या 227 है, अब 2 करोड़ की आबादी वहां है, यहां पर आबादी इतनी है, हमने 250 करी है, क्या ज्यादा कर लिया? थोड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है, और आपके यहां भी 227 वार्ड है, तो सीटों की संख्या पर भी शंका करना। कहते हैं कि सीट का आंकड़ा कहां से लाए, चलो भाई मैं मान लेता हूं कहां से लाए, मैं बताता हूं कहां से लाया, मगर 2011 में 272 कहां से लाए, ज्योतिषी को पूछकर लाए थे क्या? वो ऐसे ही एक्ट में आया था। संसद की संख्या बढ़ेगी इस हिसाब से, तो जहारे में बैठने की बात नहीं करा भैया, अब तो एक ही होते हैं ना, ना ना एक नहीं होता है, मैं चुने हुए आबादी जब बढ़ते हैं तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब वार्ड भी बढ़ेगी, 272 से ज्यादा होना चाहिए। अरे बैठिए बैठिए अधीर रंजन जी, बैठिए बैठिए, 2 मिनट बैठ आप, मैं आपको और ज्यादा समझाता हूँ जिससे आप समझ पाओ। मैं कर रहा हूं कि आपने सवाल उठाया विपक्ष के कुछ मित्रों ने कि 272 की संख्या, 250 की संख्या कैसे तय की, तो मेरा इतना ही पूछना है 272 कैसे तय की थी, इतनी ही बात मैं करता हूं भाई। वो ठीक है, मगर तीन में भी 272 सदस्य नहीं थे उस वक्त, 272 नहीं थे, आंकड़ा कैसे आया? ऐसे ही अनुमान से आता है, कोई आंकड़ा तो रखना पड़ेगा, परंतु हमने ऐसा किया है कि एक आइडियल एक्ट भेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है, अगर 2 करोड़ से नीचे आबादी है या 2 करोड़ से ज्यादा ही है, इसलिए हमने 250 लिया है। मैं जस्टिफिकेशन आपको बता देता हूं, गौरव गोगाई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है वो है, और स्पेशली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था तब क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। मुझे मालूम नहीं है गोगाई साहब कहाँ रहते थे उस वक्त, यहां थे या आसाम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते थे, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। 130 करोड़ की आबादी को टीका लगाना, सबको अपने मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, 2 टीका लगने के बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना, 9 दिन के अंदर ऑक्सीजन के उत्पादन को 12 गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजेनिक टैंकर लाकर उसको हवाई जहाज और स्पेशल ट्रेन से हर देश के कोने में भेजना और लाखों लोगों की जान बचाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता,
मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, मैं ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है, हर मुख्यमंत्री का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है, सब कुछ डर कर नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है और प्रयासों को, विरोधियों के प्रयासों को, राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पिरिट भी होती है, और इस स्पिरिट के तहत मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और एक अच्छे, बहुत अच्छे माहौल में। और ये कह रहे थे कि आप पार्टी को, गौरव भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई, आपको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। मैं गया था लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, लाशों के ढेर लगे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सब, आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले है भाई। मैं लिखता हूं ना, दिल्ली में कौन था, तो आप पार्टी मतलब नहीं, नहीं काम नहीं करने दिया, आप बैठिए, अब हो गया। अरे अधीर रंजन जी, रजिस्टर हो गए, बैठिए। लाशों के ढेर लगे थे, अंतिम संस्कार नहीं होते थे, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला नहीं था, अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे, ये सारा मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, क्योंकि हम मुख्य दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते, और हमने कहीं पर नहीं किया। जिक्र निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि गृह का जो रिकॉर्ड है वो सालों सालों तक रहता है, अजरा अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती है, इसलिए मुझे बोला। इतने सारे भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कोई प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मगर यहां पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि इसका एक रिकॉर्ड बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें कहा गया कि चुनाव से डरकर हमने ये बिल लेकर आए, भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुनिए ना, सुनिए, अधीर रंजन भी बोले, नहीं नहीं मैं आपको ना कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला, चुनाव से डरकर आ, डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरसन कर रहा हूं, सुनिए ना मैं, मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली, इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद एक साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए सुनिए, अभी सुनिए ना, सुनिए, माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी, सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लाखों लोगों को डर कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे, आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था, ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे, इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं, जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के लिए, चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं, तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई, जनता ही करेगी।
अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो छह महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानंद में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है? ये 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गए। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा, मणिपुर गए नहीं। हम किससे डरे भाई? आपका भी बताता हूं, बैठो बैठो बैठो, कांग्रेस का भी बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर भी मैं आता हूं भाई। अब मैं सुनिए ना, सुनिए। कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले डरना। भाई हम क्यों डरे? हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई? देश माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कर आएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब 2 थे तब भी नहीं डरते थे, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे हम 2, हमारे 2। उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं बचा। हम नहीं डरते चुनाव से। डरना क्या, हार जीत होती रहती है, जनता का फैसला है, हमने स्पिरिट है। मैंने यही कहा, आप ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश, मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखिए, आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। मैंने यही कहा है कि हम 2 थे तब भी नहीं डरते थे, आज 302 है, क्यों डरे? ना अहंकार की बात है, ना गमी का विषय है। जनता का फैसला लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और ये स्पिरिट भी, इसमें डर का कोई सवाल नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब बिल क्यों लेकर आया इसका सवाल बार बार पूछा गया, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 निगम एक निगम को 3 निगम में बांटने के बाद बहुत अच्छे स्पिरिट से शायद किया गया होगा। उस वक्त दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थी, मगर उसके बाद यहां शासन बदला। 5वें दिल्ली के वित्त आयोग ने
तीन नगर निगमों को पांचवें वित्त आयोग ने 40,561 करोड़ रुपया, दादा सुनिए काम में, 40,561 करोड़ रुपया पांचवें वित्त आयोग में, दिल्ली के वित्त आयोग ने देने के लिए अनुशंसा की थी। दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ से कम दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40,561 करोड़ रुपया वित्त आयोग की सिफारिश थी कि तीनों नगर निगमों को आबादी के प्रोरेटा में दिया जाए सिविक सर्विस अपग्रेडेशन के लिए। स्टेट में दिल्ली के वित्त आयोग की बात करें, उसमें से 7,000 करोड़ से कम दिया। अब कहते हैं कि निगम नहीं चलते, हमारे सांसदों ने बताया, फिर भी निगम ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया है, अस्पताल भी ज्यादा बनाए, स्कूल भी ज्यादा बनाए, मगर ये घाटा कैसे भरा जाए। और मैं यह बात बताना चाहता हूं कि निगम इतने बनने के बाद आज जो घाटा है वो 11,000 करोड़ का है, और 32,000 करोड़ नहीं दिया गया। अगर ये 32,000 करोड़ देते तो 11,000 करोड़ का घाटा भी न होता और 20,000 करोड़ सरप्लस होता, लोगों के काम होते। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं करता हूं, राजनीतिक से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। 40,000 करोड़ के सामने 7,000 करोड़ से कम दिया, 33,000 करोड़ कम दिया, फिर भी नगर निगम के तीनों मेयरों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर पूरा दे देते तो 33,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ निकाल दे, 22,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की सुखाकारी के लिए हमें और दे। इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष, इसके डिटेल में जाने जैसा है, पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश की बात छोड़िए, इसके बाद राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो नगर निगम ने कर भेजी, ऋण माफी, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण, जो दादा कह रहे थे सीवरेज का, बकाया ऋणों पर ब्याज दर को दिल्ली सरकार कम करे, एक भी सिफारिश नहीं मानी, एक पैसा ज्यादा नहीं दिया। धन की कमी से वजह से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दरखास्तें भेजी दिल्ली सरकार को, परंतु इसको या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो लंबित कर दिया गया, आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया है। उसमें से कुछ मैं कहना चाहता हूं यहां पर, जैसे व्यवसायिक कर के संबंध में वर्ष 2020 में, मार्च 2020 में एक दरखास्त भेजी, आज हम मार्च 2022 में, मालूम नहीं कहां है, पंजाब से शायद आ गए, अब करे तो करे। इस प्रकार से एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए हमने दरखास्त भेजी, कोई जवाब नहीं, रिजेक्ट कर दिया। एसडीएमसी के स्थानांतर शुल्क के संशोधन के लिए भी प्रस्ताव भेजा, आज तक लंबित है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बॉन्ड लेने के लिए, जिसकी आरबीआई की परमिशन थी, हमें वित्तीय समावेशन के हिसाब से परमिटेड मात्रा में ऋण करने की परमिशन थी, बॉन्ड लेने के लिए हमने दिल्ली सरकार का परमिशन मांगा, बॉन्ड लेने के लिए परमिशन हमारा नगर निगमों का रिजेक्ट कर दिया गया। और अनुमोदित बजट जो होता है राज्य सरकार का, उसमें भी कटौती कर दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम कैसे चलेंगे, माननीय अध्यक्ष, किस प्रकार से चलेंगे, क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए? जो ऐसा सोते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, सत्य को कभी कोई ढक कर नहीं रख सकता, हजारों सूर्य की तरह दीप्यमान होकर बाहर आ, झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ।
हमारी आज चर्चा हुई, हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूं, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे? और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है, 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते? इतनी सारी नियुक्ता अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक तरीके से कहां से होती? अगर राजनीति ही करनी है तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं वो आपके साथ बैठे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं। क्या किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करेगी कि आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घोंट दोगे? इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, डेफिसिट इसलिए है कि हमें संसाधन बढ़ाने से भी रोका गया, हमारे अधिकार के संसाधन दिए भी नहीं गए। और माननीय दादा ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? दादा, और अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा करने का संतोष नहीं होना चाहिए, अच्छा ही चल रहा है। हमारे सांसदों ने जो कहा है एक एक चीज रिकॉर्ड पर है, परंतु इससे भी अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा, निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी, एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी, और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मुख प्रेक्षक बनकर नहीं रह सकती। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी की नगर निगम से यहाँ की सिविक सेवाओं के कारण पूरी विश्व भर में देश की छवि बनती है। अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए, न करते तो गलत था, इसलिए और उचित समय पर, क्योंकि 5 साल निगम के थे, समय समाप्त होगा तब तो एकीकरण करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते। और सवाल उठाया जा रहा है परिणामों के बाद, पहले इसलिए नहीं किया था भाई, 3 महीना पहले के कहते कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, आप पार्टी को दबाने के लिए किया, हमने चुनाव की राह देखी, अब इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगा, हम क्या कर सकते हैं? और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, सारे सांसद, बहुत स्टडीड सांसद है, सबको कहना चाहता हूं कि जब भी बिल पर कोई आपके मन में, अधीरंजन जी ने कहा हमें शंका है, एक फोन उठाकर अधीरंजन जी मेरे साथ बात कर देते, मैं तो निरसन कर देता शंका का, इतने बड़े फ्लोर में आप ऐसा क्यों बोले भी, मुझे भी फोन कर लेते। मैं टाइम, अरे टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया भाई, मैंने टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया, अरे भाई ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी, आप उसको चुनाव की समझ बैठे, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी। क्यों आप ऊपर में बोल के क्यों रिकॉर्ड में लाते हो? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय सदस्यगण जो ये बोलते हैं ना, न तो रिकॉर्ड में जाता है न टीवी में जाता है, इसलिए माननीय आप बोल के और टीवी में ला देते हो। अंत में मैं बताना चाहता हूं, ये बिल को हम दिल्ली नगर निगम की सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के एकमात्र उद्देश्य से लाए, ढांचागत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लाए, नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए, नगर निगमों को स्वावलंबी बनाने के लिए लाए हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाए,
जो भी पार्टी जीत कर आए आत्मसम्मान के साथ दिल्ली जनों की सेवा कर ले, इसलिए आए। अतः मैं सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि पक्षापक्षी से ऊपर उठकर इस बिल को सर्वानुमत से आप लोग सहयोग दीजिए, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें।